जिसको पूरी देश पूरा विश्व खोखे सरकार के नाम से जानने लग गया है। ये वो लोग जो 2.5 साल पहले खोखे लेकर आए थे, अब 15-20 दिन बचे हैं और धोखे देकर जा रहे हैं। इनके धोखों की लिस्ट बहुत लंबी है। द लिस्ट ऑफ बिट्रेयल्स इज अ लॉन्ग लिस्ट। और जो ऊंची आवाज में बार 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 झूठ बोलने की जरूरत प्रधानमंत्री तक को पड़ गई, तो आप समझ लीजिए कि ये भी जानते हैं कि इन्होंने कितने धोखे दिए। एक चुनाव में प्रचार करने आते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिंचाई घोटाला हो गया। दूसरे चुनाव में जिस पर आरोप लगाया सिंचाई घोटाले का, उसी को अपने साथ बैठा लेते हैं, तब सिंचाई घोटाला खत्म हो जाता है। और फिर उसके साथ मिलकर घोटाले करते हैं। इसलिए इसको खोखेबाज सरकार, इसको धोखेबाज सरकार कहा जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शर्मा जाएगी अगर 2.5 साल में 250 घपलों की लिस्ट उनको आप पहुंचा दें। इतने कम समय में इतने घपले, इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया जितना इस खोखेबाज सरकार ने, इस धोखेबाज सरकार ने किया। लिस्ट आप लोगों से ज्यादा तो हम नहीं जानते, ऐसे कई घपले हैं जो आप हमसे ज्यादा जानते हैं जो हो रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, पुणे रिंग रोड घोटाला, समृद्धि महामार्ग घोटाला, जलयुक्त शिवार घोटाला, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घोटाला, धारावी रीडेवलपमेंट घोटाला, कुछ लिस्ट में पढ़ रहा हूं, सारी नहीं पढ़ रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का बता चुका हूं, एम्बुलेंस खरीद में घोटाला। ऐसा लगता है कि महायुति वालों ने सिर्फ एक काम के लिए सरकार बनाई थी कि इतना इन्वेस्ट किया है, इससे 100 गुना ज्यादा वापस लूट के ले जाना है। वो जो खोखे खर्च किए थे उससे कहीं कहीं 100 क्या 200 क्या 1000 गुना ज्यादा भी अगर हम कहेंगे तो कमी नहीं होगी, इतना वो लोग लूट के ले जा रहे हैं। नुकसान किसको हुआ? नुकसान महाराष्ट्र के एक एक नौजवान को, एक एक किसान को, एक एक महिला को, एक एक आदिवासी को, एक एक दलित को, सबको नुकसान देकर जा रहे हैं, सबके साथ धोखा करके जा रहे हैं।